है आपका आंसर द क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आपको आंसर करना है कुछ वर्ड्स में या फिर कुछ सेंटेंसेस में, ओके सारे को। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी का एज कितना कितना है ये बताना है। तो मार्गी इज़ 11 ईयर ओल्ड, मार्गी जो है वो 11 साल की है एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड, और जो टॉमी है वो 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डिड लिखा हुआ है। मार्गी अपने डायरी में क्या लिखती थी, क्या लिखी थी, ओके यहाँ पर डिड है यानी पास्ट टेंस के लिए यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किए हैं। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है पास्ट टेंस में बनाने के लिए, ठीक है। जिस टेंस में आपका क्वेश्चन रहता है उसी टेंस में आपका आंसर भी रहता है। तो आपने क्या लिखना है, मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को रियल बुक यानी कि असली किताब मिला। असली किताब बोलने का मतलब कि प्रिंटेड बुक, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखा था। यहाँ पर बुक बोलने का मतलब कि प्रिंटेड बुक है, ओके, जैसा हम लोग अभी यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखना है आपको नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, पहले उसने प्रिंटेड बुक नहीं देखा था। उसके बाद है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। कुछ चीज़ें जो कि मार्गी को स्ट्रेंज लगती है उस बुक में। दरअसल उस टाइम पे क्या होता था कि जो भी बुक्स होती थी वो कंप्यूटर के अंदर हुआ करती थी, कोई भी बुक प्रिंटेड नहीं हुआ करती थी। तो जब मार्गी ने वो प्रिंटेड बुक को देखा तो उसको कुछ अजीब सा लगा, कुछ स्ट्रेंज लगा उस बुक में, तो वहीं बताना है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, सी फाउंड इट स्ट्रेंज डैट द वर्ड्स इन द प्रिंटेड बुक, डैट द वर्ड्स इन द प्रिंटेड बुक, यहाँ पर वर्ड होगा WERE, प्रिंटेड बुक वर नॉट मूविंग लाइक द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको ये स्ट्रेंज लगा कि जो वर्ड्स लिखे हुए थे बुक के अंदर वो मूव नहीं कर रहे थे जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन में किया करते हैं। द वर्ड्स ऑन द पेज रिमेन्स द सेम, जो वर्ड्स लिखे हुए थे पेजेस पर वो एक ही जगह पर थे, मूव नहीं कर रहे थे, यहीं आपको लिख देना है। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, टेली बुक क्या होता है, आप क्या सोचते हैं टेली बुक क्या होता है, यही बताना है। तो आई थिंक, ठीक है, यहाँ पर डू है यानी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट से ही स्टार्ट किया है हम लोगों ने। आई थिंक अ टेली बुक इज़ अ बुक विच इज़ डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। टेली बुक क्या होता है, एक ऐसा बुक होता है जो कि स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं, ओके। स्क्रीन बोलने का मतलब वो कंप्यूटर का स्क्रीन हो सकता है, ऐसा बुक जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग देखते हैं, या फिर टेलीविज़न का स्क्रीन हो सकता है, या फिर मोबाइल का स्क्रीन, ठीक है। किसी भी स्क्रीन पर जो बुक हम लोग देखते हैं वो आपका टेली बुक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। पहला क्वेश्चन है कि मार्गी का स्कूल कहाँ पर था। तो मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के बगल में ही था यानी साइड में ही था। उसके बाद है कि क्या उसके यानी कि मार्गी के कोई क्लासमेट्स थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है नो, सी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे मार्गी और टॉमी ये बताना है। तो मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स, मार्गी जो है वो जियोग्राफी और मैथमेटिक्स पढ़ती थी, एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और जो टॉमी है वो हिस्ट्री पढ़ता था और मैथमेटिक्स पढ़ता था। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्गी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। यहाँ पर आपके स्टोरी के कुछ लाइंस दिए हुए रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टोरी के कुछ लाइंस दिए हुए रहते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, ओके, उसी का आपको आंसर देना है। पहला एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकूँगा, यानी कि ये जो स्टोरी है ये उसी का एक्सट्रैक्ट है। इसमें क्या हो रहा था कि टॉमी ने वो ओल्ड काइंड का बुक यानी कि प्रिंटेड बुक देखा था, तो उसने बोला कि ये तो वेस्ट है क्योंकि इसको कोई भी पढ़ लेता होगा तो उसको फेंकना पड़ता होगा, लेकिन जो हम लोग का कंप्यूटर स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन है, उसमें मिलियन ऑफ बुक्स है,
जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे बुक्स उसमें और भी रखे जा सकते हैं उस टेलीविज़न स्क्रीन में। ओके, तो ये वहीं का लाइन है। तो आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड यानी कि जो ये सेंटेंस है वो किसने बोला। तो टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ये सेंटेंस ये वर्ड बोलता है। ओके, सेज यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ पर इट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। एक बार पढ़िए ध्यान से इसको, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकूँगा। तो उसे यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि मैं उसे नहीं फेंकूँगा यानी कि मैं टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकूँगा जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं। ओके, ये वहीं का लाइन है, तो वहीं से आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि इट रेफर्स टू द टेलीविज़न स्क्रीन विच कैन कंटेंस मिलियन ऑफ बुक्स, इट टेलीविज़न स्क्रीन के लिए यूज़ किया गया है जिसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ बुक्स हैं। ओके, या फिर रखे जा सकते हैं, मिलियन ऑफ बुक्स रखे जा सकते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, यहाँ पर इट को, इट यानी कि जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, स्पीकर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको याद होगा स्टोरी में कि जो स्पीकर है वो बोलता है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें मिलियन ऑफ बुक्स है, लेकिन कोई भी अगर प्रिंटेड बुक पढ़ लेता होगा तो उसको फेंकना पड़ता होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन को वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, प्रिंटेड बुक के साथ, प्रिंटेड बुक के साथ कंपेयर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको वहीं लिखना है, इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द रियल प्रिंटेड बुक बाय द स्पीकर, रियल प्रिंटेड बुक के साथ कंपेयर करता है। उसके बाद है सेकेंड वाला एक्सट्रैक्ट आपका, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, श्योर उनके पास टीचर हुआ करते थे लेकिन वे लोग रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर बोलने का मतलब कि मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वे लोग इंसान थे। ठीक है, तो ये स्टोरी का वो वाला लाइन है जब जो टॉमी है वो मार्गी को बताता है कि बहुत साल पहले जो टीचर हुआ करते थे वे लोग इंसान हुआ करते थे, जो कि एक स्पेशल बिल्डिंग में जाकर पढ़ाया करते थे बच्चों को, जिसको स्कूल बोला जाता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु डज दे रेफर टू, यहाँ पर ये जो स्टोरी का लाइन है एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर दे किसके लिए यूज़ किया गया है, श्योर दे हैड अ टीचर। ओके, यहाँ पर दे जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखना है आपको, दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, दे उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया गया है जो कि स्पेशल बिल्डिंग में जाकर पढ़ा करते थे जिसे स्कूल बोलते हैं, विच वर फाउंड सेंचुरीज अगो, जो कि बहुत सौ से भी ज़्यादा साल पहले मिलती थी, यानी कि आप लोग जानते हैं कि स्टोरी फ्यूचर की है। तो इस हिसाब से ये इस टाइप का जो स्कूल होता था जैसे हम लोग का अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो 100 से भी ज़्यादा साल पहले मिला करता था। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका रेगुलर बताया गया, रेगुलर टीचर, तो यहाँ पर रेगुलर का क्या मतलब है, तो आपको लिख देना है, हेयर रेगुलर मीन द मैकेनिकल टीचर, रेगुलर का मतलब यहाँ पर मैकेनिकल टीचर से है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, यहाँ पर इट को किसके विपरीत बताया गया है, यानी कि यहाँ पर जो इट है आपका, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर है, हाँ अब सही हो गया, यहाँ पर जो इट यहाँ पर यूज़ किया गया है, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, तो ये रेगुलर टीचर जो है इससे विपरीत किसको यहाँ पे बताया गया है, इट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है जो कि रेगुलर टीचर के विपरीत है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, मैकेनिकल टीचर इज़ कॉन्ट्रास्टेड विथ अ ह्यूमन टीचर, मैकेनिकल टीचर को ह्यूमन टीचर से विपरीत बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर में है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं शॉर्ट पैराग्राफ में, यानी कि 30 वर्ड्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव,
मार्गी और टॉमी के पास किस टाइप के टीचर हुआ करते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया, यानी कि प्रेजेंट में इसको लिया गया है। तो आंसर भी हम लोग प्रेजेंट के ही फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो आंसर में आप लोग को क्या लिखना है, मार्गी एंड टॉमी हैव अ मैकेनिकल टीचर। मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर होते हैं। दे वर लार्ज एंड ब्लैक इन अपेयरेंस, वो लोग बड़े से होते हैं और अपेयरेंस में वो लोग काले होते हैं, और उनके पास बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ होता है। बड़े से होते हैं और काले होते हैं और उनके पास एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ होता है जिस पे सारे लेसन, जो भी चैप्टर्स है, जो भी पढ़ाना है, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, वो सारे उस बड़े से स्क्रीन पर ही शो हुआ करते हैं। यही आपको लिख देना है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है कि इट वॉज़ अ रेगुलर टीचर, वो लोग रेगुलर टीचर होते हैं। रेगुलर टीचर यानी मैकेनिकल टीचर होते हैं। ओके, उसके बाद है, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि मार्गी के मदर ने जो मैकेनिकल टीचर है उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा था। काउंटी इंस्पेक्टर का काम है तो रिपेयर करना, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। मैकेनिकल टीचर गैव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी सेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी को एक के बाद एक टेस्ट दिया करता था जियोग्राफी में, और जो मार्गी थी वो बद से बदतर परफॉर्मेंस किया करती थी। तो इतना तो समझ में आ गया, हेंस मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसीलिए मार्गी की माँ ने उसे, यानी कि मैकेनिकल टीचर को, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा ताकि उसको, ताकि वे पता लगा सके कि इसके, मतलब कि मार्गी के ऐसे परफॉर्मेंस का कारण क्या है, मार्गी इतना ख़राब परफॉर्म क्यों कर रही है, इसका पता लगा सके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू, ही जो है यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर के लिए यूज़ किया गया, तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है ये आपको अब बताना है। तो सबसे पहले लिखना है, काउंटी इंस्पेक्टर गैव मार्गी एन एप्पल, काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी को एक एप्पल देता है और मैकेनिकल टीचर को वहाँ से लेकर चला जाता है। ही फिक्स द मैकेनिकल टीचर एंड टोल्ड मार्गीज मदर, वे मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है और मार्गी के माँ को बताता है कि जियोग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, 10 साल के बच्चे के लिए जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा क्विक हो गया था, और उसने ये भी बताया कि मैंने उसे स्लो कर दिया है 10 साल के बच्चे के लिए, यानी कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था तो मैंने उसको स्लो कर दिया है। और आगे क्या बताते हैं, आगे है कि ही सेड दैट मार्गीज परफॉर्मेंस वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उन्होंने ये भी बताया कि जो मार्गी का परफॉर्मेंस है वो कोई ख़राब नहीं है, सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मार्गीज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, मार्गी जो है वो जियोग्राफी में ख़राब क्यों परफॉर्म कर रही थी ये बताना है। सबसे पहले, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल पिक फॉर अ 10-year-old चाइल्ड, मार्गी जो है वो जियोग्राफी में ख़राब परफॉर्म इसीलिए कर रही थी क्योंकि जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था 10 साल के बच्चे के लिए, जैसा कि मार्गी 10 साल की है इसीलिए। उसके बाद है, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है मार्गी के हेल्प करने के लिए। ओके, द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो द जियोग्राफी सेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है कि जियोग्राफी सेक्टर का स्पीड स्लो कर देता है, जैसे कि 10 साल की उम्र के बच्चे का जैसा होना चाहिए जियोग्राफी, उस टाइप का वो कर देता है, स्लो द जियोग्राफी सेक्टर, जियोग्राफी सेक्टर को स्लो कर देता है 10 साल के बच्चे के हिसाब से। ओके, उसके बाद है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, यहाँ पर है कि टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, टॉमीज टीचर हैड बीन टेकन अवे फॉर अ मंथ, टॉमी के टीचर को एक बार एक महीने के लिए लेकर गया गया था क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे उनका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था,
ब्लैंक आउट बोलने का मतलब कि उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक था। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, डू मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। जो मार्गी थी उसका रेगुलर डेज यानी कि निश्चित दिन पर निश्चित समय पर यानी कि एक फिक्स्ड टाइम पर ही पढ़ा करती थी स्कूल में, ऐसा है तो क्यों है। ओके, तो हम लोग को स्टोरी में पता है कि जो मार्गी है वो सेम टाइम पर डेली स्कूल पढ़ा करती थी सैटरडे और संडे को छोड़कर, तो ऐसा क्यों है अब आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, या आपने लिखा उसके बाद बिकॉज मार्गीज मदर बिलीव्ड, मार्गी के जो माँ थी उन्हें लगता था कि छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छे से तब समझ पाते हैं जब वो लोग रेगुलर आवर्स में स्टडी करते हैं, निश्चित समय पर फिक्स टाइम में, जो फिक्स एक टाइम होता है उसी पर स्टडी करते हैं तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये उनकी माँ का मानना था। ओके, तो ये आप लोग लिख देंगे। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी जो है वो कुछ पिछले तरह के यानी पुराने तरह के स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे बताता है। तो टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी जो है वो पुराने टाइप के स्कूल को एक स्पेशल बिल्डिंग बताता है जहाँ पर सभी बच्चे जाया करते थे और जो ह्यूमन टीचर है यानी कि ह्यूमन टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर का बात नहीं है, ह्यूमन टीचर जो है वो उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। ये आपको लिख देना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद है एट्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। जो टॉमी है वो पुराने टाइप के टीचर्स को यानी कि जो ह्यूमन टीचर्स है उनको किस तरह से बताता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर एज अ ह्यूमन टीचर। वो पुराने तरह के टीचर्स को ह्यूमन टीचर बताता है, इंसान बताता है। जो टीचर्स थे वो लोग इंसान थे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियों को बताते थे कि उनको क्या करना है और उनको होमवर्क्स दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। अब